पाकिस्तान में क्या सैन्य तख्तापलट होगा, क्या एक बार फिर से पाकिस्तान में सैन्य शासन लगेगा, यह सवाल पिछले कई दिनों से उठ रहा है, लेकिन अब इसकी गुंजाइश ज्यादा बढ़ गई है। पाकिस्तान आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर फिलहाल अपना मुल्क छोड़कर चीन चले गए हैं और माना जा रहा है कि वो चीन को ये समझाने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगाना क्यों जरूरी हो गया है। अगले चार दिन के अंदर पाकिस्तान में कुछ बड़ा होने की आशंका है। बस चार दिन के अंदर पाकिस्तान में कुछ बड़ा होने वाला है। बस चार दिन के अंदर शहबाज शरीफ की कुर्सी जाने वाली है। अचानक से चीन क्यों पहुंच गए पाकिस्तान के आर्मी चीफ, क्या चीन से सैन्य तख्ता पलट मंजूरी लेने पहुंच गए जनरल आसिम मुनीर? एक या दो दिन बल्कि चार दिन की चीन यात्रा पर पहुंचे हैं पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर। आसिम मुनीर अपने साथ सेना के वरिष्ठ अधिकारियों को लेकर भी पहुंचे हैं। पाकिस्तान आर्मी चीफ का एक दो दिन के लिए नहीं बल्कि पूरे चार दिन के लिए चीन जाना बहुत कुछ संकेत देता है। जी मीडिया को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक असीम मुनीर चीन यात्रा के दौरान चीनी अधिकारियों के साथ मिलकर के उसकी नाराजगी दूर करने की कोशिश तो करेंगे ही, लेकिन इसके साथ ही साथ खराब हो रही पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को सही करने के लिए पाकिस्तानी आर्मी चीफ चीन से और कर्ज की मांग भी करेंगे। पिछले कई दिनों से पाकिस्तान के अलग अलग शहरों में चीनी नागरिकों पर हो रहे हमलों से चीन काफी नाराज है। इसके अलावा हाल ही में पाकिस्तान में चीन के एक नागरिक तियान को इश निंदा के आरोप में भी गिरफ्तार किया गया है। दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए प्रोजेक्ट मैनेजर के पद पर तैनात चीन के नागरिक को इश निंदा कानून के तहत गिरफ्तार कर 14 दिनों के लिए जेल भेज दिया गया है। चीनी नागरिक को जान से मारने की धमकियां मिल रही थी, जिसके बाद पाक आर्मी ने उसे अपने हेलीकॉप्टर से खैबर पख्तूनवा से एबटाबाद भेज दिया है। जिस चीन के पैसों पर पाकिस्तान पल रहा है उसके नागरिकों पर आतंकी हमले हो रहे हैं, गिरफ्तारी हो रही है, इससे चीन भड़का हुआ है। पाकिस्तान को डर है कि कहीं चीन से पैसों की सप्लाई रुक न जाए, इसीलिए खुद आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने चीन जाकर शी जिनपिंग के मान मनोबल में लग गए हैं। हालांकि पाकिस्तानी आर्मी चीफ के चीन दौरे को लेकर पाकिस्तान की मीडिया और वहां के लोगों में अलग ही आशंका ने जन्म ले लिया है। वो कयास ये है कि पाकिस्तान में कभी भी शहबाज शरीफ की सत्ता पर सेना कब्जा कर सकती है और पूरे पाकिस्तान में मार्शल लॉ लागू कर सकती है, और पाकिस्तान आर्मी चीफ इस फैसले की जानकारी देने के लिए ही चीन पहुंचे हैं। पाकिस्तान में मार्शल लॉ लागू होने की आशंका बढ़ती जा रही है। पाकिस्तान में राजनीतिक अस्थिरता है, इमरान खान और शहबाज शरीफ के बीच में आपसी झगड़ा है और खुद प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की सरकार में भी आपसी खींचतान चल रही है। ऐसे में मुल्क के जो हालात हैं उसको देखते हुए पाकिस्तान के आर्मी चीफ जल्द ही कोई बड़ा फैसला कर सकते हैं। पाकिस्तान में शहबाज सरकार भी जानती है कि वो सिर्फ कठपुतली है, सारे फैसले तो सेना ही लेती है। ऐसे में जब तक सेना का हाथ है शहबाज शरीफ की कुर्सी बची हुई है। पाकिस्तान में मार्शल लॉ की आशंका वहां के वकीलों और जजों के परिवारों में भी चर्चा का विषय बन चुका है। पाकिस्तान में मार्शल लॉ को लेकर वहां की दो महिलाओं की कॉल रिकॉर्डिंग लीक होने से भूचाल आ गया है। इनमें से एक महिला पाकिस्तान के चीफ जस्टिस की सास है और दूसरी मुल्क के एक बड़े वकील की पत्नी है। दोनों महिलाएं दावा कर रही हैं कि सेना ने तख्ता पलट की तैयारी कर ली है। जल्दी से जल्दी और इलेक्शन होगी। इलेक्शन देखो ना, अगर नहीं होती ना फिर ना अगर नहीं होती ना फिर ये अपना समझ लें कि फिर मार्शल लगेगा। ये नहीं रह सकते ना, बस खत्म बात। मार्शल लॉ भी वो कमबख्त नहीं लगाने को तैयार ना, बिल्कुल तैयार। सवाल है कि आखिर दो वीआईपी महिलाएं सैन्य तख्ता पलट पर चर्चा क्यों कर रही हैं? इस ऑडियो लीक के बाद पाकिस्तान की राजनीति में हलचल मची हुई है। जरूर कहीं न कहीं मार्शल लॉ की आग लगी है, तभी तो धुआं उठ रहा है। हालांकि शहबाज सरकार अपनी ही सफाई दे रही है। पाकिस्तान में जिस तरह के राजनीतिक और आर्थिक हालात बने हुए हैं उससे पाकिस्तान गर्त में जाता हुआ दिख रहा है। हालांकि पाकिस्तान के कुछ लोगों को उम्मीद है कि अगर सेना सत्ता में आएगी तो पाकिस्तान की स्थिति बेहतर होगी। पिछले दिनों पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री शाहिद खाकास अब्बासी ने भी
चेतावनी दी है कि पाकिस्तान के मौजूदा आर्थिक और राजनीतिक संकट को देखते हुए सेना तख्ता पलट कर सकती है। अब देखना होगा कि चार दिन बाद जब जनरल आसिम मुनीर चीन से लौटकर आएंगे तब अपनी सेना को तख्ता पलट का ऑर्डर देंगे या फिर चीन में रहते हुए शहबाज शरीफ को गद्दी से हटा देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। पाकिस्तान और आतंक एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जब भी जम्मू कश्मीर में अमन चैन होता है पाकिस्तान को सबसे पहले बेचैनी होती है। पिछले हफ्ते पुंछ में सेना के काफिले पर आतंकी हमले में आईएसआई और पाकिस्तानी आतंकी संगठन का हाथ सामने आया है। अब जांच एजेंसियों ने उस मास्टरमाइंड के नाम का खुलासा कर दिया है जो सेना के 5 जवानों की शहादत का जिम्मेदार है, जिसे पुंछ आतंकी हमले का मास्टरमाइंड कहा जा रहा है। सामने आया पुंछ आतंकी हमले का मास्टरमाइंड। सेना को आतंक के सुल्तान की तलाश। गुरुवार को जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में सेना के काफिले पर हमला करने वाले आतंकियों के आका का मास्टरमाइंड का खुलासा हो गया है। आतंकी हमले में 5 जवानों की शहादत, जिम्मेदार आतंकी इस पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में छिपा बैठा है। उस मास्टरमाइंड का नाम है रफीक नई उर्फ सुल्तान। खुफिया एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक तहरीके उल मुजाहिदीन गजनबी का कमांडर है रफीक नई, उसे सुल्तान के नाम से भी जाना जाता है। रफीक का काम पीओके के आतंकी ट्रेनिंग कैंप में ट्रेनिंग पूरा कर चुके आतंकियों को जम्मू कश्मीर में घुसपैठ कराना है। जांच एजेंसियों के मुताबिक रफीक जम्मू का ही रहने वाला है और उसे जम्मू में घुसपैठ के रास्तों की पूरी जानकारी है। एजेंसियों को शक है कि जिन आतंकियों ने सेना के ट्रक पर हमले को अंजाम दिया था वो रफीक की मदद से ही सीमा पार से भारत में दाखिल हुए थे, जिसके बाद उन्होंने आतंकी हमले की साजिश रची। पुंछ हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के ही एक संगठन PAFF यानी पीपल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट ने ले ली थी। सूत्रों के मुताबिक सेना के ट्रक पर हमला करने वाले कुल 5 आतंकी थे, जिनमें से 2 आतंकी पाकिस्तानी थे। रफीक नई ने ही उन सभी आतंकियों को पीओके से भारत में दाखिल करवाने में मदद की थी। अब आतंक का ये सुल्तान जांच एजेंसियों के रडार पर है। रफीक का बैकग्राउंड खंगाला जा रहा है। पाकिस्तान की गोद में छिपकर बैठा रफीक तभी तक सुरक्षित है जब तक कि वो पीओके में है। हाफिज सईद, मौलाना मसूद अजहर के बाद अब सुरक्षा बलों की हिट लिस्ट में रफीक का भी नाम जुड़ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।